हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी भोपाल में कामरान भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फाइनली जो गोल्ड फार्म था अपना जी, वो आपने अरेंज कर लिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और नाम जो है यूनिटी गोल्ड फार्म जी। जैसा कि पहले मैंने बॉम्बे में कवर किया था यूनिटी गोल्ड फार्म जी भाई, अंधेरी में ना, यारी रोड पे, तो उसी की ब्रांच है ये जी भाई, उसी की ब्रांच है। तो वो लोग आपके कौन है? भाई है भाई, सर सब आपके भाई हैं, सब भाई। और साथ में आप लोग काम करते हैं जी, जैसा कि देवनार के अंदर भी मंडी लगाई थी आप लोगों ने जी। ठीक है, तो अभी ये सेटअप अपना आ गया आप, तो लोकेशन बता सकते हो अगर कोई विजिट करना चाहता है तो? भाई ये भोपाल में है, बड़वाई पे, जेल रोड पे। ठीक है, और कितने जानवर दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर? शारब भाई अपने पास 6 तो बड़े हैं, ओके, 4 बड़े बच्चे हैं और 2 फीमेल हैं, और बाकी कुछ छोटे बच्चे हैं वो पट्टी में हैंगे, तो वो भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी जो सिंगल में है अपन पहले वो देख लेते हैं जी भाई, फिर पट्टी वाले बकरे देख लेंगे। तो बताएं, जैसे ये कोटा का बच्चा है जी भाई, अच्छे लंबे कानों में है, उम्र लेकिन मुझे कमी दिख रही है इसकी। सारा भाई ये 7 महीने के आसपास का बच्चा, 7 महीने के आसपास का है, और माशाल्लाह हाइट और लेंथ के अंदर बहुत अच्छा है बच्चा। सारा भाई बहुत अच्छी क्वालिटी का बच्चा है कि ये हाइट अच्छी निकाल लेगा, बहुत अच्छी हाइट निकालेगा। ठीक है, कितनी उम्र होगी अभी इसकी? शादा भाई 7 महीने का है। 7 महीने का है, और वजन में कितना बैठ जाएगा? 30 किलो शादा भाई, आराम से 30 किलो बैठ जाएगा। अंदाज से बता रहा हो या भाई? ये अंदाज है, 30 किलो से तो ऊपर है, लेकिन अपन 30 किलो ही बता रहे हैं जी। ठीक है, अगर कम निकला तो? कम नहीं है शादा भाई, 30 के ऊपर ही है। ठीक है, अगर किसी ने डिमांड की कि भाई हमें वेट करके दो मशीन के ऊपर जी, तो अरेंज कर लोगे? अभी अरेंज कर लेंगे शादा भाई इंशाल्लाह, क्योंकि अभी फार्म का सेटअप तो हो गया, तो कांटा भी होना चाहिए भाई। शादा भाई कांटा ऑर्डर हो गया, अभी आया नहीं है इंशाल्लाह, फिर उसका थोड़ा सा सेटअप बनता है, जंगला वगैरह पूरा, तो अभी वो बन के आया नहीं इंशाल्लाह, आ जाएगा लेकिन वो भी। ठीक है, तो कामरान भाई सिंगल में क्या प्राइस रखा है इसका अभी? शादा भाई इसकी आस्किंग है 18,000 रुपये। 18,000 रुपये आस्किंग प्राइस है, लेकिन इसके अंदर नेगोशिएशन हो जाएगा, कर लेंगे शादा भाई, मान सम्मान रखेंगे अपन पूरा इसमें। ठीक है भाई, बच्चा बहुत बढ़िया है, अगर इसे 2 साल तक कोई कामरान भाई पालता है तो बहुत लंबा चौड़ा बच्चा बनेगा ये ना? बहुत अच्छी हाइट लेके आएगा शादाब भाई, बहुत क्वालिटी में आएगा बच्चे में, लेंथ आप देख ली माशाल्लाह, कलर का भी बहुत अच्छा है जी। ठीक है भाई, इसी की एक जोड़ का भी है, वो भी दिखाते हैं शादाब भाई। इसी के साथ बिल्कुल सेम वही कलर का ही दिख रहा है ये भी? ये भाई है शादाब भाई, दोनों सगे भाई है, दोनों सगे भाई है शादाब भाई। ठीक है, इसकी डिटेल बताओ क्या है शादाब भाई? ये 32 किलो बताई अपन, ये 35 किलो का बच्चा है, ओके, बट अपन डिटेल दे रहे हैं इसकी 32 किलो की। सींग भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया लेके आ रहा है, जलेबी वाले बिल्कुल जी। ठीक है, एज में बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, सेम भाई सेम सगे भाई है दोनों, 7-7 महीने के शादाब भाई। तो अभी क्या विचार किया है, इन दोनों को साथ में सेल करोगे? शादाब भाई कोई साथ में लेगा साथ में दे देंगे, कोई सिंगल सिंगल मांगेगा अपन सिंगल सिंगल दे देंगे। सिंगल में बता दो उसका प्राइस। इसका भी 18,000 रुपये शादाब भाई। ठीक है, साथ में कोई लेगा तो फायदा होने वाला है कुछ? हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह, कर लेंगे अपन गुंजाइश, कर लेंगे। कितने के हो जाएंगे साथ में दोनों? कर लेंगे शादाब भाई इंशाल्लाह पर्सनल में, अपन रेट तो अपन ने ओपन कर दिया है, जो भी अपन 18,000 मांग रहे हैं थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा नेगोशिएबल कर लेंगे अपन। चलो बढ़िया है, इसके अलावा और कौन से जानवर हैं? शादाब भाई ये फीमेल है माशाल्लाह भाई, बहुत लंबे कानों के अंदर ये, बहुत शानदार क्वालिटी की फीमेल दिख रही है मुझे। शादाब भाई ये 6 महीने की फीमेल है। 6 महीने की फीमेल है, कहाँ से परचेज की है? शादाब भाई जंगल से। जंगल से ही लेके आए, क्योंकि मंडी के अंदर तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा माल निकल के आए। ये चीज शादाब भाई मंडी में आती नहीं है, क्योंकि आज से मैंने तकरीबन 1 साल पहले एक ब्राउन कलर की फीमेल कवर की थी आपकी, वो कैलाश जाट से ली थी जी भाई, वो कैलाश जाट से ली थी मैंने ना, लेकिन देखने में ये भी वैसी फीमेल लग रही है बिल्कुल, इतनी भाई वही क्वालिटी की फीमेल है ये, और लेंथ वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उम्र कितनी होगी इसकी? 6 महीने शादाब भाई, 6 महीने की उम्र है इसकी माशाल्लाह। कान शरब भाई इसके अभी 16-16.5 इंच है, बहुत बढ़िया, अभी तो 6-7 महीने की बच्ची है ये। ठीक है, प्राइस क्या रखा है कामरान भाई? शरब भाई इसका प्राइस पर्सनल में कर लूंगा मैं, सिर्फ एक ही जानवर का। मतलब ज्यादा मांगोगे इसके? नहीं ज्यादा भी नहीं मांगूंगा शरब भाई। ठीक है, पर्सनल में बता देना, कोई इशू नहीं है, बाकी बहुत सारे जानवर है सबका तो प्राइस आप बता ही रहे। शरब भाई असल में क्या है, ये फीमेल जो है ये पलने वाली है, कोई फार्म वाला अपना भाई लेगा इसलिए है शादाब भाई, पर्सनल में नहीं दे, इसके भी पैसे अपन खोल देते। सही है, और उसको तो मुझे लगता है थोड़ा रुक के ब्रीड कराओ तो ज्यादा अच्छा जी, इसीलिए शादाब भाई इसका अपन ने पर्सनल में रखा है। कम से कम 2 दांत की हो जाए उसके बाद ब्रीडिंग पे, उसके बाद ही शादाब भाई। ठीक है भाई, इसके बाद कौन से जानवर है? उसके बाद शादाब भाई एक ये है बच्चा, ये बच्चा है, ये शादाब भाई 2 दांत हो गया, 2 दांत हो गया जी, इसने 2 दांत कर लिए, जल्दी दांत करने की वजह से, बहुत जल्दी दांत कर लिए शादाब भाई। अभी मैंने इसको परचेस किया था तो यादन था, लेकिन इसने हफ्ते भर में अपने बाद आके दांत कर लिए। तो वजह कह रही उम्र हो गई या फिर कोई हार्ड दाना खाने की वजह से? शादाब भाई हार्ड दाना खाने की वजह से हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो उसको अदंती लिया था। अच्छा, कितने का है ये शादाब भाई? ये दे देंगे अपन 12,500 रुपये का। 12,500 रुपये, वजन कितना होगा इसके अंदर? 35 से 38 किलो। आप 35
35 किलो का बच्चा है। चलो बढ़िया है जी। इसके बाद और कौन से जानवर हैं अपने? शरब भाई इसके बाद एक फीमेल ये है, बड़ी फीमेल है ये भी जी। ये दो दांत पे है शरब भाई, दो दांत पे है अभी जी। और वजन में कितनी होगी? वजन में शरब भाई ये 38-40 किलो। खाली है लोडेड है अभी भाई? ये खाली है अभी, दो दांत ही है, मतलब ब्रीड कराने के लिए रेडी रेडी है भाई। हफ्ते 10 दिन में कोई भाई अगर लेके इसको ब्रीड कराता है तो हफ्ते 10 दिन में मेट हो जाएगी, हो जाएगी हीट पे आना शुरू हो गई जी भाई। अभी आके जा चुकी है मेरे पास ही। अच्छा, लेकिन आपने नहीं करवाया जी? नहीं नहीं करवाया नहीं अपन ने, क्योंकि अपन को देने के लिए थी। बकरे तो शरब भाई है अपने पास, लेकिन अच्छा बकरा नहीं था वैसा। हाँ, वो ट्रेडिंग का माल है शरब भाई, तो फिर कराने से मतलब नहीं है। जो भाई लेगा वो खुद अपने हिसाब से बकरे से करा लेगा। कितने की दोगे शरब भाई? ये दे देंगे अपन 16,000 रुपए की। 16,000 रुपए जी, ठीक है भाई। इसमें भी अपन नेगोशिएबल कर लेंगे अच्छा खासा, गुंजाइश इसमें भी हो जाएगी जी, हो जाएगी इसमें भी, ठीक है भाई। इसके बाद एक ये बड़ा बकरा है जी शरब भाई, जैसा कि मतलब कुर्बानी के टाइम पे अभी बकरा ईद पे बहुत तेज बिके इस टाइप के बकरे जी भाई। क्या डिटेल्स पे है अभी ये शरब भाई? ये 40 किलो का बच्चा है, 40 किलो, 42 किलो भी आ सकता है। ओके, हाइट अपन शारा भाई, इसकी हाइट होगी 37-36 के ऊपर ही है, 37 पकड़ लो आप। दांत कर लिए इसने शारा भाई? दो दांत जस्ट अभी करे, बिल्कुल फ्रेश है। ओके, कितने का दोगे शारा भाई? दे देंगे अपन 16,500 का। ठीक है, तो मतलब गोश्त के हिसाब से ही आप काउंट करके बता रहा हो जी भाई? वो अपन भाव में ही देना, बिल्कुल चानस वाले भाव का है। दो दांत किसी भाई को चाहिए हकीकी के लिए, या आगे चाहे पाल ले, अभी तो माशाल्लाह दो दांत करे ही इसने अभी, सही है, तो आगे पाल भी सकता है, लेगा सही है जी। ठीक है, हो गए अभी जानवर जी भाई? बड़े जानवर तो अपने पूरे हो गए, अभी अपने पास छोटे जानवर हैं। छोटी पट्टी है शरब भाई, पट्टी का भाव आप दोगे जी भाई? के अंदर माशाल्लाह काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं जी। टोटल कितने बच्चे होंगे ये शरब भाई? ये 10-11 बच्चे हैं। 10-11 बच्चे जी। और जैसे एक एक का तो नहीं, एवरेज वजन बता सकते हो क्या वजन के भाई? मिनिमम 20 kg है और मैक्सिमम 28-30 kg है इसमें। 20 केजी से अंदर कोई भी बकरा नहीं है? नहीं है शादा भाई, 20 से अंदर तो नहीं। और सब कोटा के अंदर ही है, अलग अलग ब्रीड है भाई? सब कोटा ही है इसमें, दो एक मालवा है, दो मालवा है, बाकी सब कोटा है। एक तो ये सामने ही है, ये मालवा है शादा भाई, एक इसके साइड में ये भी मालवा है। ठीक है, और इन बच्चों की उम्र कितनी होगी भाई? शादा भाई सब 3-3, 4-4 महीने के बच्चे हैं। 3-4 महीने के, मतलब अभी अभी ये चारा वारा इनने खाना चालू कर दिया है जी भाई? सब चारा खा रहा है अभी ये लोग, दूध पे से हट गए बच्चे जी है ना जी। ठीक है, तो सबको एक साथ देने का इरादा है या सिंगल भी दे दोगे भाई? सिंगल में भी दे देंगे जिस भाई को लगेगा, और कोई पट्टी में मांगेगा तो इंशाल्लाह अपन पट्टी में भी दे देंगे। ठीक है, अगर कोई पट्टी का भाव मांगता है, जैसे 10 बच्चे हैं, पूरे 10 के 10 एक साथ कोई खरीदता है जी भाई, तो क्या भाव दोगे पट्टी भाई? अपन 10,000 रुपए की पट्टी में दे देंगे, 10,000 छोटे बड़े सब इसमें। ठीक है, मतलब यही वाले वो इंक्लूड नहीं है? नहीं नहीं, वो इंक्लूड नहीं है शादा भाई, जिनका अपन ने भाव बताया उधर अलग, वो अलग है। बाकी ये 10 बच्चे जो है वो है इसमें। शादा भाई एक मेंढा है, ठीक है, ये मेंढे का जो प्राइस है इसका 7,000 रुपए है। माशाल्लाह, कौन सा कच्ची का है ये जी भाई? राजस्थान का ही, जंगल से लाया अपन कोटा के। और ये तो अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा बच्चा है, ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं शरब भाई। इनमें खासियत ये होती है कि ये जो भी रखोगे वो खा लेंगे। ठीक है, ये कामरान भाई सेटअप अच्छा है, अगर ये बच्चे को इकट्ठा ले लेता है जी और फार्म पे अपने रख लेता है तो अगले साल तक ये अच्छी खासी रकम खड़ी कर देंगे, अच्छे खासे कर लेंगे शादा भाई। भाव के बच्चे सब क्वालिटी के, क्या ये 60 किलो तक टच करेंगे? आराम से करेंगे शादा भाई, कर लेंगे आराम से, अच्छी डाइट और पूरी साल ही शादा भाई। ठीक है कामरान भाई, 10,000 रुपए जो बताएं इसके अंदर नेगोशिएट करोगे कुछ इसमें शारा भाई? क्या करेंगे, अपन ने तो पट्टी का भाव बताया है, बाकी कोई भाई जैसे अलग से मांगते हैं, जैसे अब ये बच्चा है सामने मालवा का, अगर कोई बड़ा दिख रहा है ना जी, ये बड़ा बच्चा है, ये 28-30 किलो का है, कोई ये सिंगल मांगेगा तो अपन उसको 12,500 रुपए का देंगे। ठीक है, पट्टी का भाव जो अपन ने बोला है वो पूरे अगर कोई लेता है तो 10,000 रुपए की पट्टी। सही है भाई जी, और 10,000 से कम आजकल मिल भी क्या रहा है भाई? कुछ भी नहीं मिलता शारा भाई जी। जो कट्टू का माल है वो भी मतलब कट्टू का माल भी नहीं मिलता शादा भाई, गोश्त में भी अगर आप इसको बेचते जाओगे तो 9,500-9,000 रुपए की पट्टी तो गोश्त पे बैठ जाएगी। सही बात है जी। तो ठीक है, अभी काफी सारे जो हैं जानवर कामरान भाई अपन ने देख लिए, बच्चे भी आपने दिखा दिए पट्टी के भाव से जी, और बड़े जो थे वो भी आपने दिखा दिए। अब इंशाल्लाह जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे जी भाई। तो अभी रेगुलर जो वीडियो रहेंगी यहीं से बनती रहेंगी भाई, इधर से बनेंगे इंशाल्लाह। पलाई का कुछ सेटअप सोच के रखा है काम भाई? भराई का भी है और पलाई का भी है इंशाल्लाह, जो भाई इंटरेस्टेड होंगे तो उनका बकरा भी अपन। स्पेस अच्छा खासा है अपने पास, बहुत अच्छा खासा स्पेस है भाई, और पूरा जंगल जैसा आप दिखा सकते हैं शादा भाई, जो है बिल्कुल पूरा जंगल का क्लाइमेट है, जानवर यहाँ पे सेट रहेगा वो बिल्कुल वही है नेचुरल जी। ठीक है, इंशाल्लाह जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर कांटेक्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।